अक्सर हम लोग बात करते हैं टेस्टनेट के बारे में, एयरड्रॉप के बारे में, टॉप 10, टॉप 5 क्रिप्टोस के बारे में, क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको अपने प्राइवेट वॉलेट को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर और सेफ रखना है। इसके बारे में मैंने आज थोड़े से टिप्स बताए थे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो काफ़ी यहाँ पे सवाल देखने को मिले कि कैसे आप अपने वॉलेट से किसी भी डी ऐप के एक्सेस को रिवोक कर सकते हैं। तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इसके अंदर मैं आपको दो ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जहां पे जाके आप अपने उन डी ऐप्स को जिन्हें आप यूज़ कर चुके हैं उन्हें कैसे आप रिवोक कर सकते हैं। तो जब भी हम मेटामास्क में किसी डी ऐप को कनेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर जाते हैं कनेक्टेड साइट्स के ऊपर और यहाँ से हम इसे बस डिसकनेक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम यहाँ पे हो गया है और हमारा जो वॉलेट है वो अब सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप यहाँ से किसी भी डी ऐप को डिसकनेक्ट करते हैं तो वो उस डी ऐप के ऊपर आपके एड्रेस को हाइड कर देता है, लेकिन आपका जो एक्सेस रहता है वो हमेशा वहाँ पर रहता है। तो ऐसे कौन से टूल हैं जिसके थ्रू आप जाके अपने एक्सेस को रिवोक कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमारा जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है रिवोक कैश। इसके बारे में मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें और यहाँ पे इनकी साइट को जाके आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें कि कैसे आप यहाँ पे जाके अपने डी ऐप के एक्सेस को रिवोक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस टूल का इस्तेमाल करना तब स्टार्ट किया जब वो स्कैम हो चुके थे। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने खुद अपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बताया कि अगर आपका वॉलेट हैक हो चुका है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो फंड्स चोरी हो चुका है उससे आप यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने उस डी ऐप के एक्सेस को रिवोक भी करते हैं तो भी यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका वॉलेट दोबारा ड्रेन होगा या नहीं होगा, यानी कि वो जो स्कैमर है यानी कि वो जो स्वीपर बॉट्स हैं वापस से आपके फंड को चुराएंगे या नहीं चुराएंगे। इसलिए आप इसका इस्तेमाल उस वॉलेट में करें जिस वॉलेट में अभी तक आपके साथ किसी भी तरीके की चोरी या स्कैम या रग पुल जैसा देखने को नहीं मिला है, और आप जितना ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है इनकी साइट के ऊपर, अपने वॉलेट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने प्रोटोकॉल के साथ मैंने यहाँ पे अपने एक्सेस को अप्रूव किया था उन सभी के लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पता नहीं कितने सारे टोकन्स को यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स के लिए यहाँ पे एक्सेस दे रखा है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पैनकेक स्वैप है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वो सारे एड्रेसेस है जिन्हें मैंने यहाँ पे अपना एक्सेस दिया हुआ है। तो एक एक करके आप यहाँ पे जाके इन सभी को रिवोक कर सकते हैं। रिवोक करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा अमाउंट चार्जेबल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.04 सेंट, तो यहाँ पे आपको इतना पे करना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ पे इसे पे करते हैं आपका ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगा और ये जो एड्रेस जिसको आपने एक्सेस दिया हुआ तो वो यहाँ से रिवोक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक एक करके जाके इन सभी एड्रेसेस को यहाँ से रिवोक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रिवोक डॉट कैश को यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ होल्ड करने के लिए, जहाँ पे आप किसी और दूसरे प्रोटोकॉल से या डी ऐप से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन कभी कभी आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप जब आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है, आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हैं तो आप वहाँ पे जाके अपने डी ऐप को यूज़ करने के बाद उसके एक्सेस को रिवोक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टेस्टिंग पार्टिसिपेट करते हैं, एनएफटीज वगैरह में आप डील करते हैं, ओपनसी पे ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन चलता है तो मेक श्योर आप वहाँ पे जाके चीज़ों को लगातार रिवोक करते रहें। कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता है, तो मेक श्योर आप इसे यूज़ करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पे इस समय बहुत सारे नेटवर्क्स के ऊपर ये काम करता है, तो यहाँ पे आप इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, आर्बिटर वगैरह पे इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में इनका अपना खुद का एक्सटेंशन भी है तो आप यहाँ पे जाके इससे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक्सटेंशन लिस्ट में जाके यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं ताकि आप इजीली यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे इस समय ये गूगल क्रोम के अलावा ब्रेव ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट का एज और फायरफॉक्स सभी को ये सपोर्ट करता है। तो ये है दोस्तों हमारा पहला टूल जिसका नाम था रिवोक डॉट कैश। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे टूल की जिसका नाम है पॉकेट यूनिवर्स। और पॉकेट यूनिवर्स भी एक ब्राउजर एक्सटेंशन है जो आपको किसी भी तरीके के फिशिंग स्कैम और वॉलेट को ड्रेन होने से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इनकी साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर जाके आप
इसे भी ठीक रिवो कैश की तरह अपने क्रोम ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर, एज ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। फायरफॉक्स को भी ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जब भी आप किसी डी ऐप जैसे कि ओपन सी या फिर यूनिस्वैप पे इंटरेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के वार्निंग शो करता है। अगर वो डी ऐप सिक्योर है तो आप वहाँ पे देखेंगे आपको किसी भी तरीके का रेड वार्निंग नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे डी ऐप या किसी ऐसे प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा सस्पिशियस है तो वो वहाँ पे आपको इस तरह नोटिफाई कर देगा। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है। यहाँ पे कुछ अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे आपको साइन करना होता है, लेकिन बेसिकली आप यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन्स का अप्रूवल दे रहे होते हैं और यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकता है। साथ में ये आपको उन एनएफटीज के बारे में इन्फॉर्म कर देगा जो हनी पॉट है, यानी कि आप कोई ऐसे एनएफटी तो बाय नहीं कर रहे हैं जिसे आप फ्यूचर में सेल ही नहीं कर पाए किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर। तो इस तरीके से ये आपको फिशिंग स्कैम होने से बचाता है। अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक की तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इस समय इथेरियम मिनट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको पे करना होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको करीब $5 पर मंथ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दो एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो ये है कि आप यहाँ पे हाइपर ड्राइव मोड फीचर को यूज कर सकते हैं। साथ में इनके फ्यूचर में आने वाले सभी अपडेट्स का आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं तो यहाँ पे आप इनके एनएफटीज को भी क्लेम कर सकते हैं, जो फ्यूचर में शायद अगर ये अपना कोई टोकन लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पे इनके एक्सटेंशंस की तो उसका यूआई कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप जाके इनके एक्सटेंशन को ऐड कर लें और जब भी आप यूनिस्वैप या फिर ओपन सी या फिर किसी भी इथेरियम बेस्ड प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे आपको जाके अपने अकाउंट को यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट भी करना होगा। अगर आप यहाँ पे हाइपर ड्राइव को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाके इनके प्रीमियम वर्जन को बाय करना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे रिवोक कैश एक्सटेंशन की तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने सारे के सारे फीचर्स को ऑन करके रखा हुआ है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक मेरे से गलती से भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके वॉलेट का सेफ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिस्टेक आपके एयर ड्रॉप, आपके आपने जितनी मेहनत करते हैं टेस्टनेट के ऊपर या फिर किसी भी गिव अवे के ऊपर, वो सारा का सारा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने अपने इस पोस्ट में बताया था आपको कि जब भी आप यहाँ पे वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर आप अपने वॉलेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखें। पहला, आपका बिल्कुल प्राइमरी वॉलेट होना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ होल्ड करते हैं और उसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके के टेस्टनेट में ना करें, किसी भी तरीके के ट्रेडिंग में ना करें। सेकंड, आप एक वॉलेट रखें जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा वॉलेट जहाँ पे आप यूज़ करें टेस्टनेट के लिए, रिवॉर्ड के लिए, गिव अवे के लिए, आपको जहाँ पार्टिसिपेट करना है उस चीज़ के लिए करें। और इन सभी के लिए आप सेपरेट ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल करें ताकि आपका जो ईमेल आईडी वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आप अपने जीमेल के अकाउंट को यूज़ नहीं करना चाहते तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस समय Mail3, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड ईमेल सर्वर है। बस आपको यहाँ पे अपने वॉलेट कनेक्ट करना होता है और आपका जो वॉलेट है वही यहाँ पे आपका एज अ ईमेल आईडी काम करता है। इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बात किया है, इनके एयरड्रॉप के बारे में बात किया है, इनके बहुत सारे रिवॉर्ड के ऊपर भी हम लोगों ने बात किया है। तो अगर अभी तक आप इसे यूज़ नहीं करते तो आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करें, बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपसे बात की रिवोक कैश के बारे में और पॉकेट यूनिवर्स के बारे में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आप इनको पहले से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे हमें अपने वॉलेट को सेफ रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके पास कुछ सवाल है, सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।